आप सभी को राम राम जी। और ये है संडे का वीडियो। सुबह के 8 बजे हुए हैं, तो कुछ सब्जियां मंगवाई थी हस्बैंड से और ये लेके आए मंडी से, और फ्रेश फ्रेश सब्जियां हैं एकदम। तो डेली सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊं आज, क्या बनाऊं। तो मैंने कहा था 5-6 सब्जियां ले आना अलग अलग, जिससे कि मुझे रोज़ सोचना ना पड़े कि आज क्या बनाऊँ। तो टमाटर मंगवाए थे, साथ में मंगवाए थे करेले और आम भी, और बैंगन मंगवाए भरते के लिए, और मंगवाई थी मैंने गवार की फली, बहुत ही टेस्टी लगती है जो कि बनने के बाद, और टिंडे मंगवाए हैं, घिया मंगवाया है, तो कुछ खीरे थे और साथ में थे आलू, गाजर थी और पुदीना और धनिया। पुदीना और धनिया इसलिए मंगवा लिया था कि गर्मी में हमारे यहाँ चटनी डेली ही बन जाती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैं धो कर के फ्रिज में रख दूँगी साफ़ करके। और देखिए तरबूज भी मंगाया था खाने के लिए, इसको मैंने पानी में डाल के रख दिया था जिससे कि इसकी गर्मी निकल जाए, उसके बाद काट के इसको बच्चों को खाने के लिए दूँगी। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैं निकाल निकाल के अलग रख रही थी, साफ़ करके अभी रखूँगी फ्रिज में, जो रखने वाली हैं उनको फ्रिज में रख दूँगी और जो बाहर रखने वाले हैं उनको बाहर रख दूँगी, जैसे कि आलू वगैरह हो गए। और ये धनिया पुदीना है ये साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि साफ़ करके रख दो ना फिर कभी। धनिया तो धो के रख देती हूँ मैं, काट के एक छन्नी में छान के रख देती हूँ, उससे क्या होता है कि जब भी सब्जी बनाओ धनिया डाल लो उसमें, ईजी हो जाता है थोड़ा सा। तो जी अब मैं यहाँ पर छील रही हूँ करेले, और करेले छीलने से पहले मैंने इनको अच्छे से धो लिया था, और यहाँ पर मैं करेले का जो छिलका है वो भी उतार के एक प्लेट में रख रही हूँ। इसी तरीके से सारे करेलों का छिलका मैं एक प्लेट में रख दूँगी, और जो करेले थे उसको मैंने बीच में से कट कर लिया था और बीज निकाल के साइड में रख दिए थे। तो यहाँ पर हमारे करेले जो हैं वो छिल चुके हैं, और यहाँ पर देखिए गवार की फली भी मैं एक डोंगे में काट के रख दूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें, तो सब्ज़ी बनाने में ईजी हो जाता है अगर पहले ही काट के रख दो तो। तो यहाँ पर करेलों में मैंने 1 चम्मच नमक मिला दिया था, और इसके जो छिलके हैं वो भी मैंने एक टिफ़िन में रख दिए थे, और इसमें भी मैं 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल दूँगी जिससे कि इसका कड़वापन निकल जाए। टिफ़िन को मैं हिला दूँगी जिससे कि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो करेलों में मैंने अच्छे से नमक मिलाया और प्लेट ढक करके इसको भी हिला दिया था, अच्छे से मिक्स हो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ भरवा करेले। तो जी यहाँ पर करेलों को मैंने धो लिया है अच्छे तरीके से, और इस ऐसे मैंने इसको बीच में से काट लिया था, मैंने दिखाया आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो करेले के छिलके थे उनको भी अच्छे से धो लिया है जिससे कि इसका पानी जो है सारा निकल जाए, इसलिए छानने के लिए इसको ऐसे रख दिया छन्नी में। और यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 चम्मच लिया है साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा लिया है, और 1 चम्मच सौंफ लिया है, और 1 छोटी आम भी ली है मैंने, उसको पीसीज में काट लिया है, और 4 हरी मिर्चें ली हैं, और 2 प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, इनको बारीक बारीक काट लिया है। तो जी यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया, सौंफ और जीरा। इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, रोस्ट होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं इसको एक मिक्सी का जग ले लूँगी और उसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जग ले लिया था, और सारे जो मसाले हैं इसके अंदर डाल दूँगी, और जो मैंने आम भी काट के रख रखी थी वो भी इसके अंदर डालेंगे, हरी मिर्चें भी, और उस इस सबको हमें दरदरा पीसना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको दरदरा पीस लिया, इस तरीके का ये मसाला बनके तैयार हो जाएगा, और इसको हम अलग निकाल देंगे एक प्लेट में। और यहाँ पर देखिए जो मैंने प्याज वगैरह काटी थी वो ले ली थी, अब मसाला बनाएंगे, भरवा करेले बना रही हूँ मैं, उसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे प्याज में मैंने ये सारा मसाला मिला लिया था, और इसके अंदर मैं करेले के जो छिलके हैं वो भी मिक्स कर दूँगी, और अब हम मिलाएंगे इसके अंदर जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो सब इसके अंदर मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 चम्मच नमक, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, और उसके बाद डालूंगी धनिया पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा ना मैं इसके अंदर अमचूर पाउडर भी डालूंगी, और इसके अंदर थोड़ा सा हींग भी डालना है। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो बनके तैयार है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज में काफ़ी अच्छे तरीके से, बिल्कुल जो सारी प्याज में मिल जाए, और उसके बाद करेले ले लेंगे और करेले के अंदर इसको भरते जाएंगे। तो सारे मसाले जो है, जो मसाला था वो मैंने सारे करेलों के अंदर भर के रख दिया था, और करेलों को ना नमक लगाने के बाद भी, जब मैंने नमक लगाने के लिए रखे थे 6-7 घंटे के लिए रख दिए थे, और उसके बाद भी मैंने इनको अच्छे से वॉश करा है, तो करेले धोने जरूर हैं। यहाँ पर देखिए हमारे जो करेले हैं वो मतलब कि भर के तैयार हैं। और अब यहाँ पे मैं छौंक लगा रही हूँ, तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच तेल, सरसों का तेल डाला है मैंने, तेल गर्म हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा मसाला जो बच गया था
प्याज और जो मसाला था और जो करेले के छिलके थे वो भी मैंने डाल दिया था, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हींग और डाला है। और अब जो करेले हमने भर के रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहो तो पहले करेले डाल दीजिए, बाद में ये मसाला डालिए ऊपर से जो बच जाता है, वो वाला मसाला डाला था पहले मैंने। तो देखिए करेले हमारे सारे आ गए थे कढ़ाई के अंदर। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, और जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखनी है। तो देखिए करेले बन के तैयार हैं। तो 10 मिनट बने लगे थे करेलों को बनने के लिए। अब चेक कर लेते हैं करेले गल गए हैं या नहीं। तो करेले जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से गल गए थे, बहुत बढ़िया बने थे। और यहाँ पर देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, तो ये दोपहर की जो रोटियाँ हैं वो बन रही हैं, हमारा दोपहर का खाना। तो यहाँ पे हमारी जो प्लेट है वो तैयार कर रही हूँ। तो साथ में थी दाल, करेले और फुलके। तो ये है आज की हमारी दोपहर की सिंपल सी थाली। तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसी लगी ये थाली। तो चलिए हम अपना जो खाना है वो खा लेते हैं बैठ करके। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाइए। करेले बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत स्वादिष्ट बने थे, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से बहुत ही टेस्टी लगेंगे आप लोगों को। तो जी अभी बना रहे हैं मैक्रोनी और आज ये कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने नहीं बोला इनको कुकिंग करने के लिए, अपने मन से कर रहे हैं कुकिंग। तो अच्छा, तो यहाँ पर देखिए बन रही है मैक्रोनी, ये रही मैक्रोनी, ठीक है। और यहाँ पर 5-6 टमाटर जो है वो दरदरे पीसने हैं, टमाटर और 4 हरी मिर्चें। और ये लिए प्याज, प्याज को स्लाइस में काट लिया है। अदरक और लहसुन है बारीक बारीक, इनको काट लिया। ये मसाले हैं, मैगी मसाला है, काली मिर्च है और नमक है, गरम मसाला, लाल मिर्च, बस यही मसाले जाएंगे। और यहाँ पर शिमला मिर्च को भी बारीक काट लिया है, ठीक है। तो अब छौंक लगा रहे हैं, तो उसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया है। और अब डाल दिए अदरक और लहसुन। तो जी अदरक लहसुन को एकदम हल्का भूनना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। और इसके बाद हमने डाल दी थी इसके अंदर प्याज, प्याज को भी हल्का भूरा करना है। तो जी देखिए मैक्रोनी बनाते बनाते बीच में गायब हो गए हैं, चले गए उस कमरे में, ठीक है। तो अभी मैं संभाल रही हूँ यहाँ पर। और आज मैंने कहा मैं बना देती हूँ, तो बोले नहीं मैं ही बनाऊँगा। तो चलिए बना लीजिए आप, आपकी इच्छा है तो। और यहाँ पर देखिए प्याज भून रहे हैं ना, इतने उस कमरे में जाके बैठ गए हैं। तो यहाँ पर प्याज भून चुकी है, अब इसके अंदर डालेंगे हम शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ये जल्दी से गल जाती है तो अच्छी नहीं लगेगी। अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम टमाटर का पेस्ट जो कि हमने बना करके तैयार कर रखा था। और उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे, उसके बाद इसके अंदर सारे जो मसाले हैं वो डाल देंगे। उनको 2 मिनट के लिए इसके अंदर पकाना है मसालों को। और यहाँ पर देखिए मैं व्हाइट सॉस बना रही हूँ। व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था, पैन में मैंने बटर डाला है और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, क्योंकि खाली बटर डालेंगे तो वो जल जाएगा। और उसके अंदर डाली थी मैंने 1 बड़े चम्मच मैदा। मैदा को अच्छे से भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, बस यही वाला कलर आ जाए जो मेरी जो व्हाइट सॉस है उसका आया हुआ है। और उसके बाद 1 ग्लास दूध डाल देंगे, और दूध डालने के बाद इसके अंदर थोड़े से लम्स बन जाते हैं, उनको फोड़ देंगे चमचे की मदद से। और देखिए बहुत ही स्मूथ जो व्हाइट सॉस है वो बन के तैयार होती है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, और इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी मिक्स पास्ता हर्ब्स हैं ये मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। व्हाइट सॉस जो है वो हमारी बनके तैयार हो गई थी, और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ पर देखिए हमारे जो मसाले हैं वो भी पक चुके हैं, अब इस समय पे हम ये व्हाइट सॉस इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे सारी मैक्रोनी। मैक्रोनी डालने के बाद इसको हम बिल्कुल मिक्स कर देंगे, जो भी मसाले व्हाइट सॉस हमने इसके अंदर डाली है उसमें मिक्स कर देंगे इस मैक्रोनी को, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी बनके तैयार होती है, बहुत टेस्टी लगती है व्हाइट सॉस डालने के बाद। लेकिन कई बार मैं डालती हूँ, कई बार नहीं डालती, क्योंकि मैदा होती है इसके अंदर। तो जी यहाँ पे बन रहा है मैंगो शेक, और यहाँ पे देखिए आम काट के डाल दिया है, और इसमें डाली है खांड, और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, मैंगो शेक के लिए। तो ये सारे जो है ना ग्राइंड हो जाएंगे शेक इसके साथ में, आम और खांड के साथ में। और यहाँ पे कुछ ये रखी है मैंने किशमिश, ये ऊपर से गार्निश करेंगे मैंगो शेक के। तो जी यहाँ पर देखिए सब कुछ डाल दिया है इसके अंदर जग के अंदर, और जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डाल दिए मैंने, वो इसी के अंदर ग्राइंड हो जाएंगे। और अब थोड़ा सा दूध डाल दिया था, इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, और हमारा जो मैंगो शेक था वो बनके तैयार हो गया था। और बहुत ही टेस्टी लगता है मैक्रोनी के साथ मैंगो शेक, गरम गरम मैक्रोनी और ठंडा ठंडा मैंगो शेक, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर से जो किशमिश थी वो गार्निश कर दी थी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये किशमिश भी। तो जी यहाँ पर हमारा मैंगो शेक बनके तैयार हो गया था, मैक्रोनी भी बन गई थी, और इसमें डाल रही हूँ मैं ओरिगेनो और पेरी पेरी मसाला डालूंगी इसके अंदर, बहुत ही टेस्टी लगती है।
आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें।